गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे। जिसमें है हमारा पाठ 1 पदार्थ की संरचना, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में तीसरा हमें लिखना था, यौगिक से आप क्या समझते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 हमें लिखना था, प्रश्न नंबर 3, यौगिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, यौगिक से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। अब उदाहरण भी देना है और उसे समझाना भी है। उदाहरण सहित समझाइए। देखिए अब यौगिक से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यौगिक क्या होता है। अब यहाँ से उत्तर लिखेंगे तो पहले हम डालेंगे यौगिक क्या होता है। अब यौगिक लिखेंगे, क्या है यौगिक। देखिए कुछ पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। उसमें जो भी तत्व मिले हुए हैं उनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। कि यदि दो भाग ऑक्सीजन का रहेगा, एक भाग हाइड्रोजन का रहेगा तो उतना ही मिलाएंगे हम। यदि दो भाग हाइड्रोजन का रहेगा और एक भाग ऑक्सीजन का रहेगा तो केवल हम उतना ही मिला सकते हैं, ना ही उससे हम कम मिलाएंगे और ना ही उससे हम ज़्यादा मिलाएंगे। यदि कम ज़्यादा हुआ तब तो वो क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चित हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका मिश्रण। तो हमें क्या बनाना है, यौगिक बनाना है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से के मिलने से क्या बनता है आपका, यौगिक बनता है। और यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है वो होता है आपका निश्चित। वो अनुपात क्या होता है, निश्चित। अब एक तरह से इसे और लिख सकते हैं, या करके और परिभाषा एक लिख लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो इसे यौगिक कहते हैं।
तो इसे यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब जैसे जल तथा साधारण नमक, अब इसमें हमें उदाहरण देना है। अब उदाहरण से ही तो फिर जैसे जल तथा साधारण नमक, ये हो गया अपना उदाहरण जल तथा साधारण नमक। अब जैसे में है तो जल में लिखेगा, अब जल में लिखेगा, जैसे जल में उदाहरण में आप इसका हम क्या करेंगे, उदाहरण से ही समझेंगे, हम जल को समझा लेंगे। जल को क्या कर रहे हैं, हम समझाएंगे कि यह क्या है, एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। ये हम जल का उदाहरण लेकर आपको, ये जल और साधारण दोनों क्या है, यौगिक ही है। लेकिन यहाँ पे हम समझा किसको रहे हैं आपको, जल को। तो देखिए जैसे जल क्या है, एक यौगिक है। लिखिएगा जल एक यौगिक है, जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक यौगिक है, जो जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु, जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु, जो दो हाइड्रोजन परमाणु और जो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। हो गया होगा। इसी प्रकार आप नमक लिख लीजिएगा, इसी प्रकार इसमें नमक लिख लीजिए। और नमक में क्या लिखेंगे आप, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को क्या करते हैं, ये हो गया आपका दो हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, जल H2O, और इसलिए हम क्या लिख लीजिए, NaCl। साधारण नमक, साधारण नमक में एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिला होता है। साधारण नमक एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। साधारण नमक एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। यहाँ पे हम अनुपात का उदाहरण दे रहे हैं, निश्चित अनुपात में है। यहाँ पे जल बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु ही चाहिए और ऑक्सीजन के एक परमाणु, हम इसको दो इसको एक नहीं कर सकते। और सोडियम क्लोराइड नमक बनाने के लिए सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु ही चाहिए, हम इसे कम ज़्यादा करेंगे तो नमक नहीं बन पाएगा। तो ये जो यौगिक है वो निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो साधारण नमक में सोडियम के एक परमाणु और क्लोरीन में एक परमाणु मिला होता है, या साधारण नमक सोडियम के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। ये हो गया आपका पूरा यौगिक, कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात मिला लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। और उदाहरण जैसे आपका जल और साधारण नमक, अब जल में लिखेगा कि जल दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। जल दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। उसी तरह साधारण नमक NaCl एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ये हो गया आपका यौगिक। अब अगला प्रश्न है, लिखिएगा
संकेत का क्या उपयोग है? अगला प्रश्न है, संकेत का क्या उपयोग है? अगला प्रश्न हमारा, संकेत का क्या उपयोग है? प्रश्न नंबर दो, सॉरी प्रश्न नंबर दो नहीं, प्रश्न नंबर चार, द्विसूत्री का प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार, संकेतों का क्या उपयोग है? संकेतों का क्या उपयोग है? संकेतों का क्या उपयोग है? किन्हीं 10 संकेतों के नाम व उनके संकेत लिखिए। किन्हीं 10 संकेतों के नाम, 10 सॉरी 10 तत्वों के नाम, 10 के नाम व उनके संकेत लिखिए। अब है कि प्रतीक या संकेत का क्या उपयोग है? तो संकेत का उपयोग लिखना है।